नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे मयूरवंश के बारे में और आज हम लोग पूरा मयूरवंश को देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से मयूरवंश की स्थापना होती है उन सब को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप लोग इसका कंटिन्यू क्लास कीजिए और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं फिर आगे। बाकी आप लोग को क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए तो हम जो है कि समय को न बर्बाद करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मयूरवंश। ठीक है, तो मयूरवंश के बारे में कल हम लोग जानकारी का स्रोत को देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे, हम लोग ये भी चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि मयूरवंश की स्थापना जो है कैसे होती है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बालक से एक मौर्य साम्राज्य का राजा बन जाता है, इतने बड़े साम्राज्य का शासक बनता है जो उतना बड़ा हिंदुस्तान का शासक फिर बाद में कोई नहीं हुआ अशोक के बाद। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो उतने बड़े क्षेत्र के संस्थापक रहे वो चंद्रगुप्त मौर्य ही रहे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जितनी भूमि की स्थापना की थी उसी भूमि पर उसके वंशजों ने शासन किया। ठीक है, उससे ज्यादा विस्तार नहीं किया। ठीक है, चलिए तो कहानी स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो है एक छोटे से बालक से चंद्रगुप्त मौर्य बनने का सफर तक और मौर्य साम्राज्य के शासक बनने का सफर तक हम लोग चर्चा करते हैं आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपका मैप तैयार होगा। ठीक है, मैप। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए मैप बनाने के लिए जरूर सीखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसा भी हो, हिस्ट्री में बहुत बेहतरीन तो नहीं लेकिन मैप बनाने के लिए जरूर एक बार सीखिए। ये आपका हिंदुस्तान रहा। ठीक है, ये आपका इधर जम्मू कश्मीर का इलाका। ठीक है, ये आपका रहा हिंदुस्तान। ठीक है, इधर गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए, ये आपका इंडिया रहा। ठीक है, और इधर आपका ये वाला आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से ईरान। ठीक है, और उसके बाद ईरान के बाद आपको पता है कि इराक है। ठीक है, इतना तो नहीं, छोटा सा है, बहुत बड़ा बड़ा इराक नहीं है, ये आपका इराक है। उसके बाद तो जॉर्डन है, सीरिया है। ठीक है, उसके बाद जो है सीरिया है। ठीक है, चलिए तो ये आपका मैप रहा। तो हम ये चर्चा किए थे, हम लोग थोड़ा सा कहानी को पीछे करते हैं ताकि समझ में ज्यादा आएगा आप लोगों को। ठीक है, आपको जब बताए थे कि जब सिकंदर आक्रमण किए थे कहां से, तो आपका इधर मान लीजिए ये यूनान है, आपको पीछे वाला मैप में बता चुके हैं। ठीक है, यूनान है, तो यहां से जब सिकंदर आक्रमण किए थे तो सबसे पहले जो है उन्होंने, ठीक है, मतलब ये उन्होंने तुर्की को जीते। ठीक है, सबसे पहले वो तुर्की को जीते, उसके बाद वो इराक को जीते। ठीक है, इराक को जीते, उसके बाद जब उनका, सॉरी ये वाला इराक है, इराक को जीते। ठीक है, और उसके बाद उनका जो मतलब कि ये आगमन होता है ये ईरान में होता है। ठीक है, ईरान में होता है। इस समय राजनीतिक कंडीशन क्या है कि इस समय ईरान का शासक कौन है, तो दारा तृतीय, यहाँ का शासक कौन है, दारा तृतीय। और इसी के समय जो है सिकंदर यहाँ आते हैं, कब, तो 331 BC में। अब उस समय हिंदुस्तान का कंडीशन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका मगध साम्राज्य है। देखिए यहाँ आपका क्या है, ये आपका मगध साम्राज्य है, और मगध साम्राज्य में जो वर्तमान में शासक है, ठीक है, तो आपको पता है, बता भी चुके हैं आप लोगों को कि यहाँ सबसे पहले कौन सा वंश आए, इधर लिख देते हैं साइड में, हरियक वंश आए, हरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश आए, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आए, और वर्तमान में यही नंद वंश का शासन है यहाँ। ठीक है, तो मगध में वर्तमान में किसका शासन है, नंद वंश का, और नंद वंश में वर्तमान में राजा कौन है, घनानंद। लेकिन नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्मानंद, महा
पद्मानंद इन सब का कहानी अभी चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। एकदम बारीकी से समझना है। कहा जाता है कि नंद वंश का जो साम्राज्य का जो विस्तार था, ठीक है, ये आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। जो नर्मदा नदी है ये आपका नर्मदा नदी है, ठीक है। और इससे ऊपर और इसका साम्राज्य को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको नदी भी बना देते हैं, ठीक है। ये आपका सिंधु नदी है, ये आपका सिंधु नदी है जो कराची के पास पाकिस्तान के नीचे, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में कराची के पास जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु की सहायक है आपका झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इधर से आती है सतलज, उसके बाद ये व्यास। तो कहा जाता है कि जो घनानंद का जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो व्यास नदी तक था, ठीक है। वो कहां तक था? व्यास नदी तक। देखिए तो घनानंद का साम्राज्य जो है, यानी इसका साम्राज्य जो है यहां तक इस तरीके से फैला हुआ था, और यहाँ कलिंग तक था, इधर थोड़ा सा ऐसे करके गिरा हुआ था, ठीक है। ये घनानंद का साम्राज्य था, इधर बंगाल तक सीमा पड़ता था। ये आपका जो साम्राज्य का विस्तार है ये घनानंद का साम्राज्य है, ठीक है। देखिए एकदम आपको बारीकी से समझना है, कहर बढ़ाना नहीं है, ठीक है। और एक एक करके मैप से समझिए। ये आपका नंद वंश का वर्तमान में विस्तार है, ठीक है। ये जब इधर अभी स्थिति क्या है, 331 बीसी में यहाँ पे नंद वंश का साम्राज्य चल रहा है। जब 331 बीसी में यहाँ सिकंदर इसी समय यहाँ आता है, ठीक है। अब देखिए, और ये आपका पड़ता है यहाँ पे तक्षशिला, ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका तक्षशिला, ठीक है। और तक्षशिला में अभी जो है गुरु यहाँ का कौन है वर्तमान में? चाणक्य, अभी यही है चाणक्य, ठीक है, जिसको आप विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं, ठीक है, वर्तमान में ये है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे राजा पौरस शासन कर रहे थे, राजा पौरस, ठीक है, जो कि सिकंदर से लड़े थे वीरता से यहीं पे। और इस क्षेत्रों में यहीं के राजा हुआ करते थे राजा अम्भी, ठीक है। तो हालांकि इन सबका अब चर्चा की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस समझना है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब सिकंदर जो है 331 बीसी में जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करते हैं, ठीक है, सिकंदर यहाँ जब आक्रमण किए तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। जब सिकंदर ईरान में आक्रमण किए तारा त्रित पर, तो इनको पराजित कर दिए। इनको कौन सा युद्ध में पराजित किए थे? अरबेला का युद्ध में, ठीक है। अरबेला का युद्ध हुआ 331 बीसी में, ठीक है। और इसमें जो है सिकंदर जीत गया, तारा त्रित क्या हो गए? हार गए थे। जब तारा त्रित इस ईरान में जब हारे तो उसी समय कहा जाता है तक्षशिला के जो विद्वान थे वहां पे चाणक्य, और वहां पे कई सारे विद्वान थे, वहां कई सारे शिक्षक थे, उनको कहीं कहीं ये खतरा का भय महसूस होने लगा था कि कहीं कहीं अब सिकंदर आगे बढ़ेगा। सिकंदर का आक्रमण का भय का खतरा जो है तक्षशिला में लग चुका था। और आपको पता है, बताए भी थे कि सिकंदर ने एक व्यक्ति को तक्षशिला की जानकारी के लिए भेजा था, उसका नाम था क्या? अनिसोक्रिट्स को जो है सिकंदर ने जब ईरान में आक्रमण किया था, यहीं से तक्षशिला की जानकारी लेने के लिए भेजा था कि जाइए आप पता करके आइए कि तक्षशिला का स्थिति वर्तमान में क्या है, हम वहां कैसे आक्रमण कर सकते हैं, कैसे उसको जीत सकते हैं, कौन हमको वहां मदद कर सकता है, इन सब चीजों की जानकारी के लिए अनिसोक्रिट्स को भेजा था। और उसी समय तक्षशिला में कहीं कहीं वहां के विद्वानों को भय हो चुका था कि कहीं कहीं सिकंदर अब आक्रमण करेगा तो तक्षशिला में करेगा, और अगर आक्रमण करेगा तो कहीं कहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देगा, प्लस में ये यहाँ इस क्षेत्रों पर कब्जा हो जाएगा, किसका? यूनानियों का, ठीक है, प्लस में बहुत सारे क्षति भी पहुंचेगी, सारे विद्वान भी मारे जाएंगे। तो इन सब भय से कहा जाता है कि तक्षशिला में जो है यहाँ के विद्वानों ने, तक्षशिला के विद्वानों ने, ठीक है, एक विद्वत परिषद बुलाया, ठीक है, सभी विद्वानों की सभा बुलाया, ठीक है, और सभा बुला करके ये निर्णय लिया गया कि कैसे सिकंदर के आक्रमण से बच सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये प्लानिंग कर रहा था। सभी विद्वानों ने ये मिलकर के फैसला किया, ठीक है, कि हम लोग कैसे बचेंगे सिकंदर से, सिकंदर के आक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं। तो उसमें कहा जाता है सब विद्वानों ने बोला, ठीक है, चाणक्य को बोला कि महाराज आप ही तय कीजिए, हम लोग आप ही पे निर्णय छोड़ देते हैं, ठीक है, कि आप ही बताइए कि कैसे बच सकते हैं, आप ही कोई प्रस्ताव लाइए इसमें, इस सभा में, ठीक है। तब कहा जाता है कि चाणक्य ने बोला हम एक ही शर्त पे सिकंदर के आक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि सिकंदर बहुत योग्य शासक है, वीर योद्धा है, आपको पढ़ा भी चुके, ठीक है। तो जो मेरा पिछले वाला क्लास नहीं किए हैं, पिछले दोनों क्लास कर लेंगे, सिकंदर का आक्रमण और मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति, ठीक है, पिछले वाला क्लास में जो बताए। तो चाणक्य ने कहा
कि भाई एक ही शर्त पे बच सकते हो। कैसे? तो जब तुम अखंड भारत का निर्माण कर दो। अखंड भारत, आप लोग जो अखंड भारत की चर्चा करते हैं ना दोस्तों, इन्होंने यही चाणक्य थे, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहली बार अखंड भारत की संकल्पना को रखा था, ठीक है। चाणक्य बोले कि हम एक ही शर्त में सिकंदर से जीत सकते हैं, वो अखंड भारत का निर्माण करके। तो बोला ये अखंड भारत का निर्माण कैसे हो सकता है महाराज? बोला एक ही शर्त पे हो सकता है, जब सभी महाजनपद को एकत्रित कर दिया जाए, सब महाजनपद मिल करके एक हो जाएंगे और सिकंदर से लड़ेंगे तो सिकंदर जीत नहीं पाएगा, ठीक है। तो बोला ये कैसे हो सकता है? तो फिर चाणक्य बोले कि ये एक ही शर्त पे हो सकता है, जब मगध साम्राज्य के राजा नंद वंश के शासक घनानंद, ठीक है, घनानंद इस प्रस्ताव को मान लेंगे, ठीक है, तो इसके नेतृत्व में, क्योंकि इसका साम्राज्य बड़ा है, इसका बात हर छोटा छोटा शासक मानेगा, तो ये अगर चाहेगा तो हम अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं और सिकंदर का जो है आक्रमण से बच सकते हैं, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण से बच सकते हैं। तो आपको पता है कि जब सिकंदर यहाँ पे आए थे, याद कीजिए 331 बीसी में यहाँ आए तो दारात्रित की पुत्री हुआ करती थी रुक्सना, उसका पुत्री हुआ करती थी रुक्सना, रुक्सना से विवाह किए, ठीक है, और यहाँ पे वो लगभग 3 से 4 साल बिता दिए इस चीजों में, आक्रमण किए, यहाँ रुके, शादी विवाह किए, रहे, 3 से 4 साल बिता दिए, प्लस में आसपास को क्षेत्र को जीतते रहे, ठीक है, छोटा छोटा क्षेत्र को जीतने में यहाँ तक आने में 4 साल लगा दिए, इस बीच में इसको इस समय मिल गया, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में सिकंदर कब आए, तो 331 बीसी में यहाँ, तो यहाँ आए 326 बीसी में, देखिये 5 साल लगभग लग गए, तो 4 साल तो समय मिल गया यहाँ के विद्वानों को, ठीक है। कहा जाता है कि तब इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, कहानी को मेरा एकदम गौर से सुनिएगा दोस्तों, कभी भी इतिहास को रटना नहीं है, और मेरा इतिहास जो है कहानी की तरह अगर आप पढ़ लीजिएगा कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि चाणक्य जो है क्या किए, अखंड भारत का प्रस्ताव रखकर बोले कि अखंड भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब हम मगध साम्राज्य हमको सपोर्ट कर दे, ठीक है। तो बोला कि उन्होंने एक नक्शा तैयार किया अखंड भारत का, ठीक है, और सभी विद्वान मिलकर तय किए कि महाराज आप ही जाइए मगध साम्राज्य के राजा से मिलने के लिए, ठीक है, कि अखंड भारत का निर्माण का प्रस्ताव रखिए उनके पास, ठीक है, कि हम अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं और सिकंदर के आक्रमण से बचाव चाहते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि चाणक्य जो है तक्षशिला के थे, ये तक्षशिला से आए कहां, मगध साम्राज्य। कहा जाता है उस समय सिकंदर यहाँ है दोस्तों, याद रखिए सिकंदर यहाँ है, ठीक है, सिकंदर 326 बीसी में यहाँ आएगा, जब सिकंदर ईरान में आए थे 331 बीसी में, उसी समय इन लोगों ने ये पूरा प्लानिंग करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उनको भय हो चुका था सिकंदर अब यही आक्रमण करेगा, इसीलिए ये, ठीक है, मतलब यहाँ के मतलब विद्वानों ने पहले ही से सब प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कहा जाता है कि चाणक्य ने वो जो नक्शा है वो अखंड भारत का नक्शा तैयार किए और वो आए, ठीक है, घनानंद के दरबार में आ रहे थे। कहा जाता है कि जब चाणक्य इस ओर से गुजर रहे थे तो घनानंद, कहा जाता है दोस्तों ये घनानंद बहुत ही अय्याशी प्रवृत्ति का शासक था, जनता का पैसा मतलब हर चीज में टैक्स लगा दिया था, हर चीज में एक छोटे छोटे चीजों में साम्राज्य में टैक्स लगा दिया था और उन पैसे से ये अय्याशी करता था, ठीक है, साम्राज्य से इनको मतलब ही नहीं था कि साम्राज्य कहाँ जा रहा है, इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था उनको, ठीक है, और कहा जाता है कि सबसे टैक्स वसूलता था, अय्याशी में जीवन जी रहा था, ठीक है। और जब मतलब चाणक्य जब इस रास्ते से गुजर रहे थे, मगध जब आ रहे थे, मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी, जब पाटलिपुत्र आ रहे थे, यही पाटलिपुत्र दोस्तों जो वर्तमान में पटना है, यही जब आ रहे थे, ठीक है, तो कहा जाता है कि रास्ते में उन्होंने भ्रष्टाचार को हर जगह देखा कि एक एक सैनिक जो है, जो राजा का सैनिक है वो आम जनता पर जो है कि जुर्म ढा रहा है, कोड़े मार रहा है, ठीक है, मंत्री सब जो है कि जो संतरी है वो मंत्री बन चुका है, सब कोई जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, पूरे भारत के इतिहास में पहला ये शासक रहे जिसके समय भ्रष्टाचार का प्रमाण मिलता है, पूरे भारत का इतिहास में जब आप भ्रष्टाचार का इतिहास पढ़ेंगे तो यहीं से भ्रष्टाचार प्रारंभ होता है, यही से, उसके बाद तो कई सारे मतलब बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार वो सब जानते हैं, बोफोर्स घोटाला, ठीक है, कई सारा घोटाला हुआ, वो सब आप लोग सब जानते हैं, नहीं तो हम पढ़ाएंगे ही बताएंगे ही आगे, ठीक है, करोड़ों अरबों की घोटाला हुआ, ठीक है, तो लेकिन घोटाला का इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है,
ठीक है, भारत के इतिहास में पहली बार कहा जाता है जब चाणक्य देखे इन चीजों को बहुत उनको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, ठीक है, तब वो कहा जाता है कि मगध के दरबार में आए, मगध साम्राज्य के दरबार में आए, तो दरबार में जब वो गए तो बहुत देर तक उनको खड़ा रखा गया, ठीक है, कहा जाता है कि राजा मिलने ही नहीं आ रहे थे, इतने बड़े विद्वान जाकर के उनके दरबार में खड़े हैं, राजा आ ही नहीं, इनको बाहर में खड़ा रखा गया है। बहुत देर के बाद जब राजा आए, ठीक है, तो फिर मतलब ये बैठे, चाणक्य जो है बैठे, बातचीत करना स्टार्ट की, तो सबसे पहले चाणक्य बोले कि महाराज मतलब कि जो जनता का पैसा है ना, वो जनता का पैसा जो टैक्स आती है राज दरबार में, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो जनता का पैसा जनता का भलाई के लिए ही समाज में खर्च किया जाए, बस इतना ही बोले कि जो महाराज, क्योंकि वो देखे कि रास्ता में भ्रष्टाचारियों को देखे, तो वो बोले कि महाराज जो जनता का पैसा है ना, वो जनता का पैसा जो आप टैक्स के रूप में लेते हैं, तो वो टैक्स के रूप में जब एक राजा के पास आता है तो राजा का यही कर्तव्य होनी चाहिए कि वो पैसा वो जनता की भलाई में लगाए, समाज की भलाई में लगाए। तो कहा जाता है घनानंद तो बहुत मतलब कि अय्यास था, बहुत घमंडी प्रवृत्ति का शासक था, वो बोले कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे शासन कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो कहा जाता है कि पूरा गुस्सा तरीके से बात किए, लेकिन चाणक्य एकदम शांति तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन जो घनानंद थे वो अपने घमंड में चूर थे, ठीक है, घमंड में चूर थे, वो एकदम घमंडी तरीके से बात कर रहे थे। तो मतलब इन्होंने प्रस्ताव दिया कि महाराज मैं जो एक नक्शा लेके आया हूँ, ये मतलब अखंड भारत की, ये पहले आप तो देख ले। कहा जाता है घनानंद ने नक्शा देखा भी नहीं और उसको फाड़ दिया, हाँ करके फेंक दिया, और मतलब कहा जाता है कि चाणक्य को लात मार के गिरा दिया। जैसे गिरा दिया लात मार के, उनका कहा जाता है कि वो जो सीखा होता है ना वो खुल गया। जब खुल गया तो वहां पे उनको बहुत बुरा लगा चाणक्य। कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि घनानंद तुम याद रखना, तुम मुझे अपने दरबार से लात मार के निकाले हो, मैं तुम्हें इस मतलब कि साम्राज्य से लात मार के निकालू, याद रखना। और वो कहा कि मैं तब तक ये सीखा नहीं बांधूंगा जब तक कि तुमको इस साम्राज्य से नहीं निकाल दूंगा, और मैं तब तक इस मगध की धरती पर कदम नहीं रोकूंगा जब तक इस साम्राज्य में कोई दूसरा राजा को मैं नहीं स्थापित कर दूंगा। वो कसम खाया, और कहा जाता है कि अपमानित होकर के वो तक्षशिला फिर वापस आ गए। लेकिन कहा जाता है कि जब वो वापस आ रहे थे मगध से, जब वो वापस आ रहे थे तो यहीं पे पड़ता है दोस्तों, ये आपका विंध्यान पर्वत है, ये आपका विंध्याचल पर्वत है, इसी पर्वत के क्षेत्र में जंगलों में। तो याद कीजिए दोस्तों कहानी को, फिर से बताते हैं, महापद्मानंद जो है ये घनानंद के पिता है, जो वर्तमान में शासक है इनके पिता है। महापद्मानंद जो है ये जो है कि शूद्र जाति से था, ये निम्न कुल का था, शूद्र जाति से था, ठीक है, हालांकि कैसे शूद्र है इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन शूद्र जाति से था। और इन्होंने कसम खाया था कि हम पूरे मतलब कि भारत को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनको मारने का कसम खाया था, ठीक है। तो कहा जाता है महापद्मानंद ने सभी क्षत्रिय राजा को मार दिया था, उसमें आपको बताए थे उसमें एक मौर्य वंश के भी राजा थे, मौर्य पिपली वन के मौर्य थे जिनको मारे थे, जो जिनके राजा को मार दिए थे। और जब उन राजा को मार दिए थे, ठीक है, तो उनकी पत्नी और उनका बच्चा भाग करके जंगल में रहते थे, तो यही बिंद के जंगल में रहते थे, उसकी नाम था मूरा मूरा, ठीक है, वो जंगल में रहते थे। और इसी का पुत्र हुआ, एक पुत्र था इसका, इसका एक पुत्र मूरा का जो है एक पुत्र था। तो वही जब कहा जाता है चाणक्य जब मगध से आ रहे थे तो इस बिंद के जंगल में, ठीक है, ये बच्चा जो है ना, इस बच्चा और इसके साथ 8-10 बच्चे थे, सब मिलकर के एक खेल खेल रहा था, उस खेल का नाम है राजकीलम खेल, राजकीलम खेल खेल रहा था, ठीक है। कहा जाता है राजकीलम खेल में क्या था, उसमें एक राजा एक मतलब बच्चा जो है राजा की भूमिका में था, बाकी सब बच्चा जो मतलब की प्रजा की भूमिका में था। और चाणक्य जब उधर से गुजर रहे थे तो वो शायद रास्ते से जा रहे थे, देखे कि गाछ के नीचे जो है सब बच्चा खेल खेल रहा, तो ये देखने लगे, ठीक है, उसमें देखे कि एक बच्चा जो है राजा की भूमिका में है, और राजा का जो मतलब नेतृत्व करने की जो गुण होती है, जो क्षमता होती है, कहते हैं दोस्तों जो विद्वान व्यक्ति होती है वो आपके ललाट देख के बता देता है कि ये आगे भविष्य में क्या करेगा, ठीक है। तो चाणक्य में वो गुण था, ठीक है, उसको कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज था उनको दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज। जब आपको नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाएंगे तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में दो द्वारपाल होते थे,
उसमें भी उनको बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज होता था, यानी कि बच्चों की बॉडी का लैंग्वेज को देखकर, बॉडी के एक्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर को देख करके वो बता देते थे कि ये बच्चा कैसा है, इसको एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। इसीलिए उसको द्वारपाल, उसी को चौकीदार कहा जाता है दोस्तों। वर्तमान में भारत के नरेंद्र मोदी भी अपने आप को चौकीदार कह रहे थे, ठीक है, कहते हैं। तो ये हालांकि तो कहा जाता है ये राजकिलम खेल खेल रहा था, और उस राजकिलम खेल में एक बच्चा जो राजा की भूमिका में था, वो जो अपने नौ बच्चों को आदेश दे रहा था, वो लग रहा था कि उसमें एक राजा की गुण है। मतलब चाणक्य को लग गया कि ये साधारण बच्चा नहीं हो सकता, ये कोई निम्न बच्चा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका नेतृत्व करने की जो क्षमता था, कहते दोस्तों की एक विद्वान व्यक्ति उनके लालच देख करके बता देता है ये बच्चा क्या करेगा, तो चाणक्य समझ गए ये कोई सिंपल बच्चा नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता है कि चाणक्य इसके पास आए, ठीक है, इस बच्चा के पास आए, पूछे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, सब चीजें बताई उन्होंने डिटेल्स, ठीक है। तब वो बताए तो ये मूरा नाम की कन्या से उत्पन्न था, ठीक है, जिनको कि उनका पति को मार दिया गया था, ये जंगल में आके बस गई थी ताकि उनको अब मोर पालने लगी थी, ताकि पता न चले महापद्मानंद को कि ये भी मतलब कि क्षत्रिय कुल से है, ठीक है। तो वही बच्चा को कहा जाता है कि मतलब जिस चीज का, अब तो इसका दिमाग में यही चल रहा था चाणक्य का कि हम कैसे घनानंद से बदला लें, ठीक है, कैसे घनानंद से बदला लें, पूरा रास्ता वो वही चीजें सोचते आ रहा था कि अब क्या करें, ठीक है। तो कहा जाता है इसी बच्चा को, ठीक है, एक वो कहा कुछ मतलब कहीं तो ये लिखा गया है कि उस समय जो मुद्रा चलता था करसापन, ठीक है, हाँ 1000 करसापन में खरीदा था उसको, ठीक है, कुछ ये कहता है 1000 करसापन में खरीदा था, ठीक है। तो इस बच्चा को जो है चाणक्य ने क्या किया, 1000 करसापन मुद्रा चलता था उस समय, मुद्रा को करसापन कहा जाता था, ठीक है, करसापन में खरीदा था, ठीक है। कुछ कहता है कि नहीं उनको अपने पास मतलब कि पालने पोसने के लिए रखा था, ठीक है। हालांकि चाहे जो भी हो, तो मूरा नाम की जो कन्या वो भी चाहती थी कि मेरा बेटा का लालन पालन अच्छा तरीके से हो, ठीक है, और ये गुरु के संरक्षण में रहेंगे तो और अच्छा से लालन पालन होगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि चाणक्य को तो अब लग गया कि हमको जो है एक वास्तविक शिष्य मिल गया, ठीक है। तो कहा जाता है चाणक्य ने उसको जो है इस बालक को अपने साथ लेकर के चल गया और ला लिया तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला वापस लाया। जब वो तक्षशिला लाया, ठीक है, तो अब कहा जाता है कि जो चाणक्य है, ठीक है, जो गुरु है, इस बच्चे पर वो हर मतलब की नीति को अपनाता है, वो हर गुण को अपनाता है, वो हर शिक्षा को अपनाता है, हर चीजें सिखाने का प्रयास करता है चंद्रगुप्त को, ठीक है, कि मेरा वो जो मतलब बालक है वो हर तरीके से पारंगत है। हाँ, जब वो चाणक्य मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लाने का ला लेता है, तो वह कहा जाता है गुरु चाणक्य जो है उसके मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य वो हर योग्यता की मानक को अपनाता है, आजमाता है, ठीक है, ताकि मतलब वो बच्चा जो हर तरीके से पारंगत हो, चाहे युद्ध में हो, नीति में हो, शास्त्र में हो, हर चीज की योग्यता को अपनाता है, उसके साथ आजमाता है, ठीक है, और वो हर शिक्षा देता है गुरु चाणक्य उस बालक को, ठीक है, उस बालक को हर शिक्षा देता है। और उसी समय जब ये यहाँ आया, उसके बाद कहा जाता है इधर से फिर सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है, आक्रमण होता है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पे था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे एक इतिहासकार प्लूटार्क, ठीक है, प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय 16 वर्ष के थे जब इनको यहाँ पे चाणक्य ने जब तक सिला लाए चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, तो वो जो है यही बालक है चंद्रगुप्त मौर्य जो ये बालक को लेकर के आए, यही बालक कौन है, यही बालक है चंद्रगुप्त मौर्य, और उस समय ये 16 वर्ष के थे, ठीक है, 16 वर्ष के थे। और कहा जाता है कि जब सिकंदर ईरान से जब यहाँ आक्रमण किए, ठीक है, सिंध की ओर आए थे, तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस समय मात्र 16 वर्ष के थे, वो सिकंदर से मिलने गए। ये प्लूटार्क कहते हैं, ठीक है, प्लूटार्क कहते हैं कि वो सिकंदर से मिलने गए थे, और ये मिलने गए थे कि मतलब कि सिकंदर को वो बोल रहे थे कि हमको आपसे मदद चाहिए, किसके खिलाफ,
मगध के खिलाफ, क्योंकि वो हमेशा क्या चाह रहा था, उनका गुरु उनको हमेशा बचपन से ही बता रहा था इन बातों को, उन अपने अपना अपमान के बातों को बताते आ रहा था कि हमको मगध साम्राज्य को जीत करके एक नई साम्राज्य की स्थापना करना है, वहां पे जो भ्रष्टाचार फैला है उसको खत्म करना है, एक अखंड भारत का निर्माण करना है, उनको बचपन से यही बताया जाता था अपने गुरु के द्वारा। उसके बाद क्या कहा जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि सिकंदर से वो डायरेक्ट आकर के बात करता है, ये प्लूटार्क कहता है कि डायरेक्ट आके बात करता है वो, मतलब कि मगध के खिलाफ जो है मदद मांगता है मतलब सिकंदर से। लेकिन कहा जाता है सिकंदर उसकी वाक्पटुता मतलब उनकी बातों से ठीक है बहुत ही क्रोधित हो जाता है। सिकंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बात से बहुत क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होकर के कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश देता है, अपने सेनाओं को कहता है इस बालक की हत्या कर दीजिए। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु के पास जब पहुंचा तो चाणक्य को ये बात बताया, तो चाणक्य ने बोला अपने मतलब शिष्य को चंद्रगुप्त मौर्य को कि देखो बेटा, एक मतलब कि अच्छे राजा में, एक अच्छे योग्य राजा में सिर और लोमड़ी दोनों का गुण होनी चाहिए, जिस समय जो परिस्थिति आए उस अनुसार से काम करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाणक्य ने उनकी जो मतलब जीवन में जो मतलब कहते हैं ना कि गुरु का जो योगदान होता है शिष्य की जीवन को बनाने में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं संसार से सबसे ऊपर उठ के होता है। ठीक है, ये संसार के निर्माता ही गुरु होते हैं। ठीक है, इस संसार से सबसे ऊंचे पोस्ट पे अगर रखा जाए तो ये गुरु है, क्योंकि संसार के निर्माता ही गुरु है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा योगदान था वो चाणक्य का रहा। ठीक है, चलिए, तो कहा जाता है हालांकि सिकंदर आक्रमण किए, उसके बाद वापस लौट गए। ठीक है, जब वापस लौट गए तो आपको बताए थे उन्होंने इस यहाँ तक क्षेत्र को जीता, व्यास नदी तक को जीता, व्यास नदी तक के क्षेत्र को, ये पूरे क्षेत्र को जीत लेता है, वो पूरे इधर जीत लेता है। ठीक है, जीत करके वो वापस चला जाता है। उनके बाद उनके 323 बीसी में मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। ठीक है, अब देखिए बेबीलोन में उधर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम इधर की कहानी को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इधर चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अब ये हमेशा यही फिराक में था, हम कैसे बदला लेंगे, बदला लेने के फिराक में था। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो अब ये चाणक्य अब दोनों मिलकर के ये प्लानिंग करने लगा। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 18-19 साल का हो गया। ठीक है, 18-19 साल का हो गया था, 19 साल का हो गया था, क्योंकि ये इधर सिकंदर जब वापस चल गया लगभग 18-19 साल की हो गया, क्योंकि 16 साल का उसी समय था जब सिकंदर यहाँ था। सिकंदर की मृत्यु हुई 323 बीसी में, यानी 3 साल हो गया, तो 16-3-19 साल के हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब वो ये प्लानिंग कर रहा है कि अब हम किस पे आक्रमण करेंगे, घनानंद पे आक्रमण करेंगे। वो दोनों यही प्लानिंग कर रहे थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये हमेशा सोचते रहे कि कैसे करके हम जो है मगध साम्राज्य को अपने कब्जे में ले और एक अखंड भारत का निर्माण करें। ठीक है, तो कहा जाता है कि चाणक्य ने यहाँ पे क्या करता है, उनके पास जो कुछ गुप्त धन था रखा हुआ था उनके पास। ठीक है, वो चाणक्य गुरु के पास गुप्त धन रखा हुआ था। ठीक है, वो क्या करता है, मुद्रा को यहाँ पे क्या अवमूल्यन करवाता है, यानी कि मुद्रा का रेट को घटाता है। 1 करसापन से वो 8 करसापन बनाता है, तो इसी को माना जाता है कि वो मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन करवाए थे। ठीक है, पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन करवाए, यानी वो क्या करते हैं, 1 करसापन को वो ठीक है 8 करसापन में परिवर्तित करवाए। 1 करसापन को वो क्या किए, 8 करसापन में परिवर्तित करवाए, ताकि वो सेना को बढ़ा पाए। ठीक है, ताकि वो अधिक सेना को बढ़ा पाए, उस गुप्त धन से जो है मुद्रा का अवमूल्यन करा करके वो लगभग कहा जाता है कि छोटे छोटे सेनाओं को तैयार किया। ठीक है, छोटे छोटे सेनाओं को तैयार किए। ठीक है, वो समाज में शिक्षा दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को एक योग्य शासक के रूप में बताए, और वो खुद जाकर के समाज में बताते थे तुम चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में जुड़ जाओ। वो जाकर के साधु बन जाते थे और समाज में शिक्षा देते थे उसके सेना में मिल जाओ। ठीक है, इस तरीके से वो प्रचार करना प्रारंभ किए। उसके बाद इस तरीके से वो लगभग 5000 सेना तैयार किए। अब 5000 सेना तैयार करके ठीक है वो क्या करते हैं, तक्षशिला से ठीक है डायरेक्ट प्लानिंग करते हैं कि हम मगध में आक्रमण करेंगे, अब यहाँ के राजा को क्या करेंगे, पराजित कर देंगे। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और मतलब चाणक्य जो है दोनों मिलकर मात्र 5000 सेना, और मतलब कि मगध साम्राज्य के पास बड़ी सेना आई थी। ठीक है, लगभग 3 लाख पैदल सेना था इनके पास, बहुत सारे घुड़सवार, लगभग ये कहा जाता है
एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान में नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग लगभग मतलब 6 से 7 लाख सेना आए थे मगध साम्राज्य के पास। और कहा 5,000 सेना लेकर के डायरेक्ट मगध में आक्रमण कर दिए। जब डायरेक्ट मगध में आक्रमण कर दिए तो कहा जाता है कि कुछ ही घंटों में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना हार गई, कुछ ही घंटों में, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और डायरेक्ट बीच में आक्रमण कर दिए 5,000 सेना लेकर के, कैसे चारों तरफ से घेर के मारा गया, सारी सेना खत्म हो गई, ठीक है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों जो है गुरु और शिष्य दोनों किसी तरह से अपने जान बचा करके जंगल की ओर भागे। जब जंगल की ओर भागे, ठीक है, तो वहां पे एक कुटी के पीछे छुप गए। तो उस कुटिया में जो है एक माँ और एक बेटा रहता था, ठीक है। तो उस माँ ने क्या किया था, उस बालक को खिचड़ी खाने के लिए दिया था, खिचड़ी खाने के लिए दिया। तो वो बालक क्या करते हैं, बीच में ही हाथ डाल देते हैं खिचड़ी का, तो वो रोने लगता है बच्चा। तो चाणक्य उधर से देख रहा है कि मतलब झोपड़ी के पीछे से छुप के देख रहा है, ठीक है, कि वो बच्चा ऐसे करता। तो उधर से उनकी माँ आती है और बच्चा को एक तमाचा और मारती है और कहती है, तुम भी जो है चाणक्य के तरह और चंद्रगुप्त मौर्य के तरह बुड़बक हो, खिचड़ी में अगर डायरेक्ट बीच में हाथ डाल दोगे तो हाथ तो जलेगा ही, खिचड़ी को आस्ते आस्ते धीरे धीरे चारों तरफ से खाओ, ठंडा होते जाएगा खाते जाओगे, ठीक है। तब कहा जाता है चाणक्य बहुत सातीर थे, इसका नाम ही था चाणक्य, ठीक है, बहुत सातीर थे, ठीक है, कौटिल्य बहुत सातीर थे। कहा जाता है वो सीख लिए, वहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकाल लिए और कहा जाता है उस माता का वो चरण छुए, ठीक है, कि आप माता हमको बहुत बड़ा ज्ञान दिए, वो उनका चरण छुए, ठीक है, और चरण छू के बोले कि अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। उसके बाद वो निकले, अब वो फिर से प्लानिंग करना स्टार्ट किए, ठीक है। वो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, उस समय थोड़ा सा कुछ डाटा भी आपको याद रखना है, ठीक है, देखिए। हाँ, जिस समय मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य में आक्रमण किया था, इस समय घनानंद का जो सेनापति था वो भद्रसाल था, भद्रसाल, ठीक है, भद्रसाल था ये किसका, तो घनानंद का सेनापति था, सेनापति। तो पहली बार में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए, पराजित हो गए। उसके बाद जो है फिर प्लानिंग किए, यही प्लानिंग वहां से वो यही सीखे कि हम छोटी सी सेना लेकर के डायरेक्ट बीच में आक्रमण कर देंगे तो हम तो मारे जाएंगे ही, ठीक है, हम जो है खिचड़ी के तरह साइड में धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा और हम खाते जाएंगे, ठीक है। तो फिर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उनका गुरु वापस आए, फिर से वो सेना तैयार किए। उसके बाद क्या किए, इसका मगध का जो मतलब साइड का इलाका था, ठीक है, जो सीमावर्ती इलाका था, धीरे धीरे उन छोटे छोटे राज्यों को जीतना स्टार्ट किए और जीत करके उसकी सेना को अपने में मिलाना स्टार्ट किए, जीत करके उसकी सेना को अपने में मिलाना स्टार्ट किए, जीत करके उसकी सेना को अपने में मिलाना स्टार्ट किए। इस तरीके से उन्होंने चारों तरफ के सीमावर्ती राज्य को धीरे धीरे जीतते गए। आज ये मगध के राजा तो अपने अय्याशी में लीन रहता था, घमंड में चूर रहता था, ठीक है, और इधर चाणक्य क्या किए, उनके सीमावर्ती क्षेत्र को जीतना स्टार्ट किए। उसके बाद जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के बड़ी सेना तैयार कर ली, बड़ी सेना तैयार करके फिर से ये सेकेंड आक्रमण करता है घनानंद के दर मतलब के साम्राज्य में, ठीक है। डायरेक्ट जो है दूसरा आक्रमण जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था वो 322 BC में किया, ठीक है। दूसरा आक्रमण कब किया, दूसरा जो आक्रमण किया वो किया था 322 BC में, ठीक है, 322 BC में आक्रमण करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है आक्रमण किया और घनानंद को पराजित कर देता है, ठीक है, घनानंद को पराजित कर देता है, ठीक है। कहा जाता है कि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य का राजा बन जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध साम्राज्य का राजा बनेगा, ठीक है, तो राजा बनने का प्रमाण तो मिलता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब कि पराजित कब किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, अस्पष्ट प्रमाण नहीं, स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन एक पुस्तक है महाबोधि वंश, इस पुस्तक में उल्लेख आता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड बार 322 में आक्रमण किया तो उस समय जो है घनानंद का मंत्री हुआ करता था भद्रसाल, ठीक है, भद्रसाल हुआ करता था, ठीक है, भद्रसाल, इसी के नेतृत्व में घनानंद ने युद्ध लड़ा था, ठीक है, और इस युद्ध में जो है घनानंद बुरी तरीके से पराजित हुआ था और कहा जाता है घनानंद को वहां की जनता भी नहीं चाहता था।
ठीक है कि घनानंद जैसे मतलब कि दुष्ट शासक शासन करे, इसी कारण वहां का जनता भी नहीं चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि वहां की जनता ने भी इसको पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का वहां की जनता ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। और वही जो है 322 बीसी में बुरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और इस सम्राट मगध सम्राज्य को अपने हाथों में लिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यह मगध सम्राज्य का शासक बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और जो है उसका जो गुरु हुए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, वो उस सम्राज्य के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। अब चलिए, अब इस तरीके से मौर्य वंश की, तो चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य लिखाते थे इसलिए अपने नाम से उन्होंने, ठीक है, नंद वंश का नाम क्या हो गया, अब मौर्य वंश, ठीक है। अब देखिए, तो अब जो है मौर्य वंश का जो क्षेत्र रहा कहीं कहीं, ठीक है, पूरे भारत के इतिहास में, ठीक है, हमको लगता है कि पूरी दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक हुए जिन्होंने इतनी बड़ी भूमि पे शासन किया, ठीक है, इतनी बड़ी भूमि पे शासन किया, प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, केंद्रीकृत प्रशासन को चलाया, चंद्रगुप्त मौर्य की नीति ने जो लागू किया अपने नीति को, ठीक है। और उसका क्षेत्र दोस्तों मगध का पटना हुआ करता था, उन सारे चीजों के राजधानी पटना। उस समय सोच सकते हैं कि मगध में कितनी बड़ी मतलब की संपत्ति रही होगी, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में देखते हैं। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। अब देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट अब इतना बड़ा क्षेत्र जो हम इसमें दिखाए हैं, ये इतना बड़ा क्षेत्र तो मतलब कि घनानंद के क्षेत्र में था ही। अब डायरेक्ट ये इतना बड़ा राज्य घनानंद के राज्य में आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो डायरेक्ट जो इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा का मतलब ये यहाँ पे आपका व्यास नदी तक, यहाँ पे व्यास नदी, उत्तर में व्यास नदी तक, दक्षिण में आपका विंध्य पर्वत तक, ठीक है, या नर्मदा घाटी तक, विंध्य पर्वत तक, ठीक है, इधर कलिंग तक आप ले सकते हैं, इधर कलिंग, कलिंग आपका उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। पूरब में कहें कि बंगाल से इनकी सीमा लगती थी, यानी कि पूर्वी बिहार तक, पूर्वी बिहार तक। इतना बड़ा क्षेत्र डायरेक्ट अब किसके राज्य में आ गया, इतना बड़ा क्षेत्र डायरेक्ट अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आ गया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आ गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन्होंने कौन वंश बनाया, तो मौर्य वंश। आ इसका प्रधानमंत्री कौन बन गए, प्रधानमंत्री बन गए चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। प्रधानमंत्री के सलाह से ही जो है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, शासन करेंगे, ठीक है, शासन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है, कि भारतीय इतिहास में केवल एकमात्र राजा आए जिन्होंने तीनों द्वाब में शासन किया। तीनों द्वाब का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका गंगा यमुना का द्वाब, ठीक है, ये आपका गंगा यमुना का द्वाब, गंगा यमुना का द्वाब। यहाँ पे आपका कृष्णा नदी है और इसकी सहायक है तुंगभद्रा नदी, इसको कहते हैं रायचूर का द्वाब, रायचूर का द्वाब, ठीक है। और ये आपका सब सिंधव का जो क्षेत्र है, ये सब सिंधव का द्वाब। इन तीनों द्वाब पे प्रत्यक्ष शासन करने वाले पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र शासक आए वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बड़ी सत्ता को स्थापित किया। अगर उसका अभी साम्राज्य का अब उसकी उपलब्धि को बताते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर उपलब्धि को दिखाएं, ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि, ठीक है। इतने बड़े क्षेत्र को तो उन्होंने मतलब प्रत्यक्ष रूप से जीत लिया किया, उसके बाद उन चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि क्या रहा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र रहा, कहीं कहीं ये सीरिया पड़ता है ना आपका सीरिया, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने अपनी सीमा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया। देखिए कैसे, ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि, मौर्य की उपलब्धियां, उपलब्धियां, चंद्रगुप्त मौर्य क्या उपलब्धि। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य में क्या क्या जोड़ा, अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि असम घाटी और कश्मीर, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो दक्षिण में कर्नाटक तक था, यहाँ तक कर्नाटक तक था, ठीक है, कर्नाटक तक उसका राज्य था, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। पूरब में आपका बंगाल तक सीमा था, उत्तर में आपका व्यास नदी तो था ही, ठीक है। और उत्तर पश्चिम का क्षेत्र अगर आप आएंगे तो कहीं कहीं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
ठीक है, ईरान का। और अप्रत्यक्ष रूप से आपको कहेंगे तो वो सीरिया तक था, अप्रत्यक्ष रूप से। अभी आगे आपको कहानी में बताएंगे कैसे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यहां से लेकर के यहां तक पूरब में बंगाल तक, जम्मू कश्मीर और असम का जो घाटी है दोस्तों, ये जो है याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा में नहीं था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में नहीं था। असम घाटी और कश्मीर, उत्तरी कश्मीर का क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका पड़ता है असम घाटी, असम घाटी, ठीक है, असम घाटी। और ये आपका कश्मीर, कश्मीर ये क्षेत्र जो है, जब मतलब ये दो क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में नहीं था। और दक्षिण में आपका यहाँ पे चेर, चोल और पांड्य राज्य है, ठीक है। यहाँ पे आपका चेर है, ठीक है, यहाँ आपका चोल है, बाकी आपका पांड्य, ये तीन राज्य है यहाँ दक्षिण में, ठीक है, तीन राज्य यहाँ शासन का। बाकी यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता को स्थापित किया, ठीक है। और कहा जाता है कि असम घाटी और जम्मू कश्मीर उसके क्षेत्र में क्यों नहीं था जब इतनी बड़ी क्षेत्र को जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है चाणक्य की यह नीति था कि जहां से उनको आर्थिक लाभ नहीं मिलता था उस क्षेत्र को वो नहीं जीतते थे, वहां पे वो दिमाग नहीं दौड़ाते थे। और उनको पता था, ठीक है, कि ये क्षेत्र जो है उस समय पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जनजाति इलाका था, ठीक है, पहाड़ी इलाका था, जंगली इलाका था, वहां उपज ज्यादा था नहीं, इसी कारण से वो इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिए, ठीक है, नहीं दिए, ठीक है। अब देखिए, अब मतलब कि जब घनानंद को वो पराजित किए ये क्षेत्र तो आ गया, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। हाँ, जो ये वाला इलाका है ये गुजरात का इलाका, ठीक है, गुजरात जो है घनानंद के राज्य में था या नहीं इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है, ठीक है। ये गुजरात का इलाका, क्योंकि जब मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था पूरा क्षेत्र इसमें आ गया, तो गुजरात था या नहीं ये स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको आगे दे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में गुजरात था, घनानंद के राज्य में था या नहीं ये पता नहीं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में यहाँ था, क्योंकि यहाँ से एक अभिलेख मिला है, जूनागढ़ अभिलेख। अभी आगे चर्चा करते हैं एक एक करके, ठीक है। ये वाला क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या उपलब्धि हासिल किया, तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंध का क्षेत्र, ठीक है, सिंध का क्षेत्र देखिए, अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं सिंध का क्षेत्र। अब सिंध का क्षेत्र को सबसे पहले उन्होंने, ठीक है, देखिएगा दोस्तों, एक एक करके कहानी समझना है। एक नंबर में देखिए, हम कह रहे हैं अभी कि इतना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से आ गया, घनानंद को पराजित किया तो, लेकिन उसका साम्राज्य जो है दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में ईरान तक और अप्रत्यक्ष रूप से सीरिया तक था। तो ये क्षेत्रों को वो कब कब जीते, कैसे जीते, उसी का कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये सिंध का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र को हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये सिंध क्षेत्र, उत्तरी सिंध, ये वाला, ये सिंध नदी का क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके हम चर्चा स्टार्ट। तो आपको बताए जब सिकंदर की मृत्यु हुई बेबीलोन में 327 BC में, ठीक है, हाँ याद रखेगा, सिकंदर एकमात्र शासक है जिनका मृत्यु, जन्म और विजय तीन महादेश में होता है। जन्म उसका होता है यूरोप महादेश में, विजय वो करता है एशिया महादेश को, ठीक है, और अफ्रीका महादेश को, और मृत्यु भी होती है बेबीलोन में, एशिया में। तो तीन मतलब की जगह, यानी कि वो जो है तीन महादेश तक अपना साम्राज्य का विस्तार किए, ठीक है, तीन महादेश तक, ठीक है, यानी कि उनका जन्म हुआ यूरोप में, अफ्रीका को भी जीते और एशिया को भी जीते, विजित किए दो क्षेत्र को, और मृत्यु भी हुई इनकी एशिया में, बेबीलोन में। तो यानी कि तीन महादेश में इनका विस्तार रहा, ठीक है, ये सिकंदर के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जब सिकंदर ने, हाँ, अब देखिए दोस्तों, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, वो वापस चल गए, तो आपको पिछले क्लास में बताए थे इनको थोड़ा मिटा दे, ठीक है। इस क्षेत्र में 28 प्रांत हुआ करता था, ये जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये यहाँ तक ईरान था, ये पूरा ये वाला क्षेत्र, ये 28 प्रांतों में विभक्त था, ये 28 प्रांत में। सिकंदर क्या कर दिए थे, इस 28 प्रांत को दो भागों में बांट दिए थे, एक 6 भागों में बांटे थे, ठीक है, पहले दो लिखते हैं, पहले 28 प्रांत को वो क्या किए थे, 28 प्रांत को वो जो है, ठीक है, दो भागों में बांटे, एक पश्चिम प्रांत, एक पश्चिम का प्रांत और एक पूरब का प्रांत, ठीक है, इसी को दो भागों में बांट दे, इधर से इधर, अफगानिस्तान की यह सीमा है ना, यहाँ से जो है इधर और यहाँ से इधर,
इधर जो है ठीक है पूरब का क्षेत्र को उन्होंने तीन शासक को दिया था, राजा पौरस को, राजा अम्बिक और शिशुगुप्त को, और पश्चिम का जो क्षेत्र रहा है तो उसमें तीन शासक को दिया था ठीक है। उसमें से ठीक है देखिएगा ये पंजाब का जो क्षेत्र था ना, ये जो पंजाब का क्षेत्र था ठीक है, और ये सिंध का क्षेत्र था, ये सिंध का क्षेत्र, ये पंजाब का क्षेत्र ठीक है, और इसका इसको बड़ा सा क्षेत्र मिला था, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और पंजाब का क्षेत्र में इसको ये पूरा वाला क्षेत्र मिल गया था, ये पूरे ठीक है ये क्षेत्र। हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे दोस्तों, बस हम मतलब प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का सिर्फ ठीक है। तो ये उत्तर सिंध का क्षेत्र किसको दे दिए थे, ये दिए थे फिलिप को, फिलिप को ठीक है, और ये दक्षिण का क्षेत्र दे दिए थे यूथिडेमस को, यूथिडेमस को ठीक है, डेमस को। और उसके बाद ये सीरिया तक का जो क्षेत्र, इसके बाद इधर से इधर जो दिए थे उन्होंने वो किसको दे दिए थे, वो दे दिए थे अपना सेल्यूकस को, सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था, सेल्यूकस निकेटर को ठीक है। अब देखिए तो ये तीन, अब यानी कि अब चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ का शासक बने तो हालत ये है, यहाँ का राजा फिलिप है, यहाँ का राजा यूथिडेमस है, ये सेल्यूकस, ये सब यूनानी है दोस्तों, ये सब कौन है, ये सब यूनानी है, यूनान का रहने वाला है ठीक है। अब कहीं कहीं राजा यूनानी, लेकिन यहाँ की जनता तो भारतीय है, यहाँ की जनता तो देखे दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान है, उस समय तो पाकिस्तान थी नहीं ठीक है, ये जनता तो मतलब भारतीय है ठीक है। तो कहा जाता है हुआ ये जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का शासक बने ठीक है, नंद वंश के बाद, घनानंद के बाद यहाँ के शासक कौन बने, तो चंद्रगुप्त मौर्य बने ठीक है। अब ये अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अब हुआ ये, कहा जाता है कि फिलिप द्वित की मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ फिलिप द्वित के जो सैनिक थे उनके सैनिक ने उसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह इसीलिए कर दिया कि ये जो फिलिप मतलब शासक थे ये यूनानी शासक थे, और यहाँ पे वो हर चीजों को यूनानी परंपरा के अनुसार चलाना चाहते थे, जबकि यहाँ की जनता जो है भारतीय थी, इनको वहां की भाषा भी समझ में नहीं आती थी, राजा यूनानी है, जनता यहाँ की मतलब की अलग भाषा बोल रहे हैं, वो राजा अलग भाषा बोल रहे हैं ठीक है। अब दोनों में तालमेल चलता नहीं था। आप ही को अगर बोल दिया जाए कि अब आपका बीपीएससी का एग्जाम कन्नड़ भाषा में होगा तो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तेलुगु भाषा में होगा तब बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि भाषा को लेकर के दोस्तों आपको पता है हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ है, यानी जो भारत का जो वर्तमान 28 राज्य है, राज्य का विभाजन भी भाषा के आधार पे ही किया गया है ठीक है। क्योंकि वो जो भाषा होती है, जो आपकी मातृभूमि की जो भाषा होती वो आप उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते ठीक है, वो आपसे कभी छूटेगा नहीं। आप कितना भी अंग्रेजी बोल लें लेकिन जो आपकी मातृभाषा है उस अंग्रेजी में भी आपकी मातृभाषा दिखाई देती है ठीक है, वो छूटती नहीं है कभी। तो कहा जाता है यहाँ की भाषा अलग थी, फिलिप जो है यूनान का था, यहाँ की जनता, यहाँ की सैनिक जो है यहाँ लोकल थी, अब दोनों में तालमेल चलता नहीं था। कहा जाता है कि उसकी सैनिकों ने खुद फिलिप के जो है खिलाफ विद्रोह कर दिया, जब फिलिप के खिलाफ विद्रोह कर दिया ठीक है, अब विद्रोह करके फिलिप का जो सैनिक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में मिल गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में मिल गया, फिलिप के खिलाफ जब विद्रोह गए, इनको छोड़ करके भागना पड़ा। जब ये छोड़ करके भाग गया तो ये क्षेत्र ऑटोमेटिक किसके क्षेत्र में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में आ गया। जब यही खबर यूथिडेमस को पता चला ठीक है, ये पंजाब प्रांत में, ये देखिए दोस्तों ये पंजाब जो है ना, ये पंजाब वर्तमान में थोड़ा सा हिंदुस्तान में रह गया, बड़ा सा पंजाब चल गया कहां, पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान। अब पंजाब के अलावा भी ये क्षेत्र इसके अधीन में था, ये क्षेत्र जो है इसके अधीन में था ठीक है। तो यूथिडेमस को पता लग गया कि अब वहां पे वो स्थिति में जनता विद्रोह कर दिया, मेरे खिलाफ भी वही होने वाला है, इसी कारण से वो क्या करते हैं, वो खुद डर से ही छोड़ करके भाग जाते हैं ठीक है। तो जो है अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा डायरेक्ट कहाँ तक हो गया, अब ये दोनों को पराजित करने के बाद डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा अफगानिस्तान की सीमा तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ठीक है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, अभी दक्षिण को नहीं दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब जो है जब वहां तक सीमा हो गया ठीक है, अब उसकी सीमा किससे मिलने लगा, सेल्यूकस निकेटर से, क्योंकि इससे यहाँ से लेकर के सीरिया तक ये पूरा क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर के अंदर है। अब इसकी सीमा चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा डायरेक्ट सेल्यूकस निकेटर से मिलने लगा ठीक है। अब देखिए अब सेल्यूकस निकेटर को वो ससुर कैसे बनाता है, वो कहानी हम लोग देखेंगे ठीक है। तो कहा जाता है
तो कहा जाता है कि जब से ल्यूकस निकेटर यहाँ का शासक रहे, यहाँ का शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है कि कोटिल उनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो अब इस समय हुआ कि कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, ये जो सिंध नदी है ना, ये जो सिंधु नदी है, ठीक है, ये चाहा कि हम सिंधु नदी के पार करके हम इस जो ये जो बालक है, अभी तो इनका उम्र ज्यादा था नहीं और सेल्यूकस निकेटर का उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर सोचा कि देखते हैं इस बालक में कितनी योग्यताएं, कितनी क्षमताएं हैं, ठीक है, इस बालक की भी योग्यता को तो अपनाएं, ठीक है, आजमाएं, ठीक है। तो कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर सिंधु नदी को पार करके, ठीक है, इसके क्षेत्र को जीतना चाहा। लेकिन कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उनके गुरु चाणक्य ने हर वो योग्यता के पैरामीटर को अपनाया था, ठीक है, जो होनी चाहिए। आपको आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक चीजों को आप बस बारीकी से पढ़ते जाइए। पहले मौर्य साम्राज्य का विस्तार पढ़ा देते हैं, फिर एक एक करके हम सब चीज पढ़ाएंगे, आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और कहानी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर सिंधु नदी को पार करने का प्रयास किया, तुरंत सूचना चल गया मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के पास कि वहां आक्रमण हो गया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में भी बताएंगे, आप लोग घबराए नहीं। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, अगर हम एग्जैक्ट डाटा दे दें आपको, ठीक है, तो उनकी सेना में जो है 600,000 पैदल सेना था, ठीक है, 600,000 पैदल सेना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, 600,000 पैदल सेना। हालांकि ये बाद में बनाएगा पूरे साम्राज्य का विस्तार करने के बाद। उसके बाद घुड़सवार 30,000 था, ठीक है, 30,000 घुड़सवार, 30,000 घुड़सवार है, घुड़सवार है, ठीक है, 9,000 हाथी है, आप सोचिए दोस्तों, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त 800 अश्वचालित रथ है, 800 अश्वचालित रथ, अश्वचालित, अश्व मतलब घोड़ा, चालित मतलब चलाने वाला, अश्वचालित रथ है, ठीक है। आप सोचिए जिसकी सेना में 600,000 पैदल सेना, ठीक है, 30,000 घुड़सवार है, 9,000 हाथी, 8,800 अश्वचालित रथ। आप सोचिए इतनी बड़ी सेना का संचालन कैसे करता होगा, ठीक है, सभी सेनाओं को हथियार देना, तलवार देना, उनका कवच देना, ठीक है। उसके बाद हाथी सेना है तो हाथी को भी कवच पहनाना, हाथी का हौदा तैयार करना, हाथी के में सैनिक को भी भाला देना, बड़ी मात्रा में उतना खर्च कैसे चलता होगा, आप सोचिए कितना संपन्न रहा होगा मगध साम्राज्य, कितनी संपत्ति रही होगी उस समय मगध में, समझ सकते हैं आप कितनी संपत्ति रही होगी मगध में उस समय, कितना संपन्न रहा होगा ये पाटलिपुत्र, ये पटना, ठीक है। आज इनकी स्थिति देख लीजिए क्या है दोस्तों, ठीक है। तो संपत्ति ये नाम की जो संकल्पना है ना दोस्तों, ये किसी के पास रहता नहीं है। आज अंबानी है, कल दूसरा अंबानी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये धरती यही रह जाएगी। तो जो मनुष्य के अंदर जो गुरूर होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलिए। हालांकि तो ये मतलब कहा जाता है कि जो है, अब सेल्यूकस निकेटर आज जो है क्या करता है कि सिंधु नदी को पार करके इसके क्षेत्र में आक्रमण करने का प्रयास करता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, ठीक है, ये क्या आक्रमण करता, उल्टा इसी को खदेड़ देता है। उल्टा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही अपना सेना को लेकर के सेल्यूकस निकेटर को खदेड़ देता है, सेल्यूकस निकेटर को खदेड़ देता है। और जब खदेड़ देता है, ठीक है, और इसका उल्लेख, इसका इस युद्ध का जो उल्लेख है, ये दो व्यक्ति करता है, ठीक है, 305 बीसी की यह घटना है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, 305 बीसी की घटना है कि सेल्यूकस क्या करता है 305 बीसी में इस क्षेत्र को पार करता है, 305 बीसी, ठीक है, पार करता है। और जब पार किया तो उल्टे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसकी सेना को खदेड़ करके, ठीक है, उसको पराजित कर देता है, ठीक है। इसके इसका जो उल्लेख है 305 दो व्यक्ति करता है, एक है आपका एपियानस और एक है आपका स्ट्रैबो, एपियानस, एपियानस और एक व्यक्ति है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो, ये दो व्यक्ति इस घटना का उल्लेख करता है, दो व्यक्ति। एक यानस कहता है कि सिंध नदी को पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में जब आक्रमण करता है, ठीक है, जब आक्रमण करता,
तो लेकिन कहा जाता है हो क्या गया, सेल्यूकस निकेटर जब तंदुक मुहिम की वीरता को देखता है, उसकी साहस को देखता है, उसकी नीति को देखता है, ठीक है, तो वो जो है अब वो समझ चुका था कि चंद्रगुप्त मौर्य उल्टा आक्रमण करेगा, ठीक है, और करेगा तो हम पराजित हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे संधि करना ही उचित समझता है। तो सेल्यूकस निकेटर इसके पास संधि का प्रस्ताव भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास कि भाई हम आपसे संधि ये करना पसंद करते हैं क्योंकि हम आपकी वीरता से प्रभावित हैं, हम आपके सामने सलामी ठोकते हैं, झुकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं सेल्यूकस निकेटर भी उसके सामने क्या हो गए, झुक गए, और 303 बीसी में जो है एक संधि हो गया दोनों के बीच, ठीक है, 303 बीसी में संधि। ये उल्लेख करता है एपियानस, एपियानस खुद कहता है इस बात को, ठीक है, एपियानस, और दोनों के बीच में संधि हुआ, और इस संधि में चार प्रावधान था, ठीक है, तो चार प्रावधान इस संधि 303 में जो संधि हुआ इसमें कौन सा प्रावधान था, चार प्रावधान, 303 की संधि का प्रावधान, ठीक है, आप लोग लिखेंगे संधि का प्रावधान, आप लोग देखिए अभी हम मैप तैयार कर देंगे ना आपका, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला प्रावधान चार क्षेत्र था, ठीक है, हैरात, मकरान, कंधार और काबुल, ये चार क्षेत्र को, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के अंतर्गत यहाँ पे पड़ता है, यहाँ कंधार, काबुल, हैरात, मकरान, यहीं पे पड़ता है चारों शहर दोस्तों, ये चारों क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर के अंतर्गत था, ये चारों क्षेत्र सिकंदर मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, तो हैरात, मकरान, कंधार, काबुल, ये चार क्षेत्र संधि का पहला प्रावधान है, पहला प्रावधान में ये चारों क्षेत्र किसको दिया, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, ठीक है। हाँ, इसका जो है यूनानी नाम आता है दोस्तों, पूछ लिया जाता है, जैसे हैरात का क्या नाम है यूनानी नाम, तो हैरात को जो है, ठीक है, एरिया कहा गया है, कंधार को अराकोसिया कहा गया है, लिख देते हैं मतलब कि हैरात को, ठीक है, हैरात को जो है एरिया कहा गया है, एरिया, ठीक है, कंधार को अराकोसिया कहा गया, अराकोसिया कहा गया है, अराकोसिया, ये यूनानी नाम है, ये जो है आपका यूनानी नाम है, और ये आपका हिंदुस्तानी नाम है, ठीक है, ये आपका हिंदुस्तानी नाम है, ठीक है। देखिए अब जो काबुल है इसको जो है पेरिपेनिस डाई कहा गया है, काबुल को, ठीक है, और मकरान को जेड्रोसिया कहा गया है, मकरान को जेड्रोसिया, और जो है काबुल को पेरिपेनिस डाई कहा गया है, पेनिस डाई कहा गया है, ठीक है, तो ये, ठीक है, यूनानी नाम है ये इसका, ये हिंदुस्तानी नाम है, ठीक है। तो पहला संधि का प्रावधान ये रखा चंद्रगुप्त मौर्य ने कि ये चार क्षेत्र जो है आप हमको दे देंगे। दूसरा प्रावधान ये रखा, ठीक है, दूसरा प्रावधान ये रखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु ये प्रावधान रखे थे, ठीक है, कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हुआ करती थी हेलना, हेलना, ठीक है, हेलना, ये बहुत सुंदर थी देखने में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हुए प्रधानमंत्री चाणक्य ने यह प्रावधान रखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह आपकी पुत्री हेलना से होगा, तो दूसरा जो है, ठीक है, उनकी पुत्री हेलना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होगा। अभी चंद्रगुप्त मौर्य भी कुमारे थे, ठीक है, मौका है कभी फायदा उठा लिए, क्या कभी कभी आप लोग भी उठाते होंगे, ठीक है। तो हेलना, तो हेलना से विवाह का प्रावधान रखा, चंद्रगुप्त मौर्य भक्षक आ गए, वो बोले ये क्या कर रहे हैं गुरु जी, हम राज कर हमको गड्ढा में काहे धकेल रहे हैं आप, ठीक है। तो बोले चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शातिर थे दोस्तों, सॉरी चाणक्य बहुत शातिर थे दोस्तों, ठीक है, वो जानते थे कि आज हम सेल्यूकस निकेटर को पराजित किए हैं, आज हम नहीं रहेंगे तो फिर ये सेल्यूकस निकेटर इस क्षेत्र पे हमला करेगा, तो इस समस्या का समाधान जल से ही निकाल देंगे, कैसे, जब हम इससे रिलेशन बना लेंगे, इनसे संबंध स्थापित कर देंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात वो बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं धन्य है गुरु, आप तो गुरु हैं, ठीक है, तो कहीं गुरु तो गुरु ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कहा जाता है तब समझ में आया उनको कि ये समस्याओं का जल से समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उनका विवाह जो हेलना से करने का प्रावधान, ठीक है, ये दूसरा प्रावधान, ठीक है। अब देखिए
तीसरा प्रावधान ये था, ठीक है, तीसरा प्रावधान। अब तीसरा खाली लेवे कीजिएगा, दीजिएगा नहीं, तो चंदुक मोहर में आपको आगे पढ़ाएंगे दोस्तों। मगध साम्राज्य का जब जंगल को खाली किया गया था, यहाँ पे कहा जाता है कि हजारों हाथी मिले थे, बहुत सारा हाथी थे इस जंगल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, कहा जाता है 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस ने केजन को। तो 500 हाथी जो है सेल्यूकस को दिए, सेल्यूकस को दिए, कौन दिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य दिए, ठीक है, अपना ससुर जी को, एक प्रकार से उपहार कह सकते हैं आप, लेकिन ये संधि का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। ये तीसरा संधि हो गया, ठीक है। चौथा संधि, चौथा, हाँ, मेगास्थनीज दूत के रूप में मगध आएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इधर लिख देते हैं। चौथा क्या था, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है दूत के रूप में कहाँ आएगा, पाटलिपुत्र आएगा। तो मेगास्थनीज को क्यों लाया गया दोस्तों, मेगास्थनीज एक विद्वान है, ठीक है, मेगास्थनीज जो है विद्वान है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इंडिका, इंडिका लिखी है, और ये जो है मेगास्थनीज कंधार में, इस समय जो है सेल्यूकस निकेटर का ये क्षेत्र है कंधार, यहाँ पे जो है कंधार है, ठीक है, और यहीं पे वर्तमान में था मेगास्थनीज, इन्होंने जो पुस्तिका लिखी है, पुस्तक लिखी है, वो इंडिका लिखी है, ठीक है, इंडिका, ठीक है, ये विद्वान है, ये वर्तमान में कंधार में है। तो मतलब कि चाणक्य ने प्रावधान रखा कि चौथा प्रावधान की मेगास्थनीज मेरा दरबार में आएगा। ऐसा प्रावधान क्यों रखा, क्योंकि कौटिल्य जो है बहुत शातिर था दोस्तों, बहुत ही तेज था, वो आगे के लिए सोचता था, क्योंकि कौटिल्य जानता था कि हमारा इतनी बड़ी उपलब्धि को, मैंने जी इतनी बड़े साम्राज्य को स्थापित किया है, और मैं खुद से उस इतिहास को मैं खुद से लिखूंगा, तो आने वाली सत्ता विश्वास नहीं करेगी, वो कहेगी कि हम बढ़ा चढ़ा करके लिखे हैं। अगर वही कोई विदेशी लेखक उस बात को लिखेगा, ठीक है, तब लोग विश्वास करेगा, इसीलिए वो आगे की सोचता था। तो उन्होंने अपनी उपलब्धि को भी बचाए रखा, ठीक है, यानी कि एक संधि में वो हर चीज को लपेट लिया, हर चीज को लपेट लिए, ठीक है, इतने यहाँ तक उन्होंने अपने साम्राज्य को भी स्थापित कर लिए, ठीक है, विवाह करके जड़ से भी समस्या का निदान कर दिए, और एक यहाँ, और इस उपलब्धि को दर्शाने के लिए एक विदेशी लेखक को भी अपने दरबार में ला लिए। आइए, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहता था दोस्तों, ये पटना पाटलिपुत्र, ठीक है, और ये पूरा, ये मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में ये पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के संबंध बताएंगे आगे, ठीक है, किस तरीके से समाज में वो सात वर्गों को बताता है, इन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये चार प्रावधान रहा, एक प्रावधान रहा कि एरिया मतलब कि हैरात, मकरान, कंधार, काबुल, ये चार क्षेत्र जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। दूसरा, हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चौथा प्रावधान मेगास्थनीज जो है दूत के रूप में पाटलिपुत्र है, ठीक है, ये चार प्रावधान। अब देखिए दोस्तों, अब चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा डायरेक्ट कहाँ तक हो गया, अब अफगानिस्तान तक हो गया, अब कहाँ तक हो गया, अफगानिस्तान तक हो गया, और इधर का शासक कौन हो गए, उनका ससुर सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस हो गए। अब इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मतलब कि साम्राज्य कहाँ तक स्थापित कर दिया, कंधार तक, और थोड़ा सा ये जो ईरान का इलाका है ना दोस्तों, ये वाला क्षेत्र भी उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, आपको प्रोजेक्टर में दिखा देंगे, ठीक है, उसमें आपको दिखा देंगे फिगर में, ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा कुछ क्षेत्रों को और बता देते हैं, जैसे पश्चिम में विस्तार, अब आपको ये तो हम बता दिए कि उत्तर में, हम आपको उत्तर की चर्चा कर दिए, यहाँ व्यास नदी तक है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में आप कहाँ तक आ गए, हम अफगानिस्तान से थोड़ा सा ईरान का इलाका आ गए, ठीक है, अब चलिए, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, एकदम समझना है बारीकी से, अब देखिए, ये जो पश्चिम का इलाका है दोस्तों, ये पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, ये पश्चिम है, तो पश्चिम में कहा जाता है, ये जो गुजरात का क्षेत्र है पश्चिम में, अब इसका विस्तार देखिए, पश्चिम में विस्तार, पश्चिम में विस्तार, पश्चिम में विस्तार, ठीक है, अब देखिए पश्चिम में कहां तक विस्तार है, तो ये जो गुजरात का इलाका है दोस्तों, गुजरात जो है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था, तो घनानंद के राज में गुजरात था या नहीं, स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख यहां से प्राप्त हुआ है,
जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है यहाँ से जूनागढ़ से प्राप्त है गुजरात से। और जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेख मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे एक झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे, ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। यहाँ पे आपका पड़ता है जूनागढ़ अभिलेख में ये उल्लेख है कि रेवतक पर्वत और उज्जैंत पर्वत, ठीक है, यहाँ दो पर्वत है, रेवतक और उज्जैंत, उज्जैंत और रेवतक, रेवतक, इन दोनों पर्वतों में, ठीक है, इन दोनों पर्वतों के बीच में एक नदी है, पलाशनी नदी और स्वर्ण स्वर्ण सिक्ता नदी, ठीक है, पलाशनी नदी, पलाशनी नदी और स्वर्ण सिक्ता नदी, स्वर्ण सिक्ता नदी, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों नदी है, ठीक है, इन दोनों नदी पर उन्होंने बांध बना करके, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसमें जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और यही सुदर्शन झील में जो है अशोक जब शासक आएंगे तो नहर का निर्माण करवाएंगे, उसी में जब शक शासक, ये गुजरात में शक शासक आएंगे रुद्रदामन, तो जब ये झील बांध जब टूट जाता है तो उसका निर्माण करवा करके, ठीक है, पुनर्निर्माण करवा करके उसको क्या करते हैं, उस झील को फिर से वो स्थापित करवाते हैं। एक बार गुप्त शासक के समय टूटेगा, एक बार शक शासक, तो उस समय आगे चर्चा करेंगे। जूनागढ़ अभिलेख में चार राजाओं का नाम आता है, एक तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा में उसका पोता अशोक, उसके बाद रुद्रदामन, एक स्कंदगुप्त, चार राजाओं का नाम आता है सुदर्शन झील में, इसमें सॉरी जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है यहाँ का जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जूनागढ़ का जो गवर्नर था वो था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त यहाँ का गवर्नर था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का गवर्नर पुष्यगुप्त था, ये उल्लेख। अब जूनागढ़ अभिलेख यहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। अशोक ने अपने जीवन में एक ही युद्ध किया है, सिर्फ कलिंग का युद्ध, कलिंग को जीता, उसके बाद उन्होंने युद्ध की नीति अपनाई नहीं, कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि न तो उन्होंने सुई के नोक के बराबर जमीन को इस मौर्य साम्राज्य में लाया था और न ही सुई के नोक के बराबर जाने दिया था। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को कहीं कहीं किसने जीता, इस क्षेत्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, ठीक है, मौर्य ने जीता। तो गुजरात भी इसके क्षेत्र में पश्चिम में गुजरात तक शामिल था, ठीक है, पश्चिम में कहां तक शामिल है, गुजरात तक शामिल है, ठीक है। अब कहीं आपको दिक्कत होता है दोस्तों, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा बेहतरीन आपको क्या बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दक्षिण में विस्तार, पश्चिम में विस्तार हो गया, उत्तर पश्चिम में विस्तार हो गया, अब दक्षिण में विस्तार, ठीक है, चलिए अब एक एक करके आपको समझाएंगे। कहते हैं इतिहास रचना पड़ेगा, इतिहास कैसे रचना पड़ेगा भाई, ठीक है, दक्षिण में विस्तार। अभी लास्ट में भी ऐसा रिपीट कर देंगे कि आपको जिंदगी में कभी इतिहास नहीं रचना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य, इसको तो हम जेहन में उतार देंगे आपका, ठीक है। अब देखिए दक्षिण में मौर्य वंश का विस्तार जो है कर्नाटक तक था, हम चर्चा किए थे दोस्तों कर्नाटक तक है, लेकिन कर्नाटक तक है, इसका प्रमाण कौन देता है, इसका प्रमाण दो ग्रंथ देता है, एक जैन ग्रंथ है, एक अहनानुरु ग्रंथ है, जिसको कि मामूल नाग ने लिखा है, ठीक है, इसका प्रमाण देता है जैन ग्रंथ और एक ग्रंथ है अहनानुरु, अहनानुरु ग्रंथ है, इसको लिखा है मामूल नाग ने, मामूल नाग, ठीक है, ये दो ग्रंथ इसका उल्लेख देता है दक्षिण में विस्तार था, ठीक है। जैन ग्रंथ से हमें जानकारी क्या मिलती है, कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना बड़ा विस्तारित था तो उसकी मतलब कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में मगध साम्राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ गया था, 12 वर्ष का काल पड़ा था और कहा जाता है काल खत्म ही नहीं हो रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहां के बहुत सारे जैन विद्वानों को बुलाए, उनका बैठक सभा बुलाए और पूछे कि महाराज ये अकाल क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोले कि ये आपके पूर्व जन्मों के द्वारा किया गया पाप का कर्म है, इसको कौन फूंकतेगा, जो आपने इतनी बड़ी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इतने लोगों की हत्या किए हैं, इसी का पाप के कर्मों का फल मिल रहा है आपको, ठीक है। तो बोला महाराज इसका प्रायश्चित कैसे होगा, ये कैसे खत्म होगा।
तो वो बोले कि अगर चंदुकमोई को बोले, ठीक है, वो मतलब जैन स्वामी बोले कि अगर आप मतलब कि जैन, मतलब कि जैन भिक्षु बन जाएंगे, जैन भिक्षु बन के आप जो है संलेखना या संतरा विधि से, ठीक है, अपना प्राण को त्याग देंगे तो यहाँ पे जो अकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जाता है चंदुकमोई ने अपने अंतिम चरण में, ठीक है, अपने अंतिम चरण में, ठीक है, इसी समय जैन धर्म दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जब अकाल फैला था तो यहाँ पे दो संप्रदाय, दो लोग थे, एक जो स्थूल भद्र और एक भद्र बाहु, दोनों में ये विवाद हो गया, ठीक है। देखिए लिख ही देते हैं, एक थे स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, और एक थे भद्र बाहु, भद्र बाहु। इन दोनों, ये दोनों गुरु हुआ करते थे जैन धर्म का। इस समय अकाल फैला हुआ था मगध में, बहुत सारे जैन भिक्षुओं की मृत्यु हो रही थी। तो कहा जाता है स्थूल भद्र कह रहे थे, भद्र बाहु कहे थे कि हम जो है मगध को छोड़ के चल जाएंगे, ये कह रहे थे कि हम दक्षिण जाएंगे, लेकिन स्थूल भद्र बोले नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे अपनी भूमि को छोड़ के, चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। तो इन दोनों में विवाद हो गया, ठीक है। स्थूल भद्र यही मगध में रुक गए, ठीक है, मगध में रुक गए, और भद्र बाहु दक्षिण चले गए। भद्र बाहु दक्षिण चले गए, ये जो है दिगंबर संप्रदाय, सॉरी श्वेतांबर, दिगंबर संप्रदाय बनाए, दिगंबर संप्रदाय, और स्थूल भद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय बनाए, श्वेतांबर, ठीक है। यानी श्वेतांबर का मतलब ये स्थूल भद्र यही मगध में रह गए, स्थूल भद्र स्थिर रह गए, ठीक है। इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, तो जो स्थूल भद्र के जो श्वेतांबर संप्रदाय है ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो भद्र बाहु के जो दिगंबर संप्रदाय ये नग्न अवस्था में रहते, ठीक है, नग्न अवस्था में। आप भी जैन धर्म के जिसको आप नग्न अवस्था में देखिएगा वो समझ जाएगा वो दिगंबर संप्रदाय से, वो किसको मानता है, भद्र बाहु को मानता है। इसी के नेतृत्व में दक्षिण चले गए, और इसी के नेतृत्व में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी को गुरु बना लिए, ठीक है, अंतिम चरण में इसी को गुरु बना लिए भद्र बाहु को। अब वो भी कहाँ आ गए, कर्नाटक आ गए। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, ठीक है, यहीं पे आ गए। कहाँ पे, श्रवण बेलगोला, बेल गोला, यहीं पे आ गए, और वो बौद्ध जैन भिक्षु बन गए अंतिम चरण में, ठीक है, जैन भिक्षु बन के। यहीं पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है चंद्रगिरी, पर्वत का नाम है वहां पे चंद्रगिरी पर्वत तो है ही, ठीक है, वहां पे चंद्रगिरी मंदिर है, उस पर्वत का नाम है चंद्रगिरी पर्वत ही, श्रवण बेलगोला में पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत, चंद्रगिरी पर्वत, और इसी पे मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम भी है चंद्रगिरी मंदिर, ठीक है, इसीलिए हम कंफ्यूज कर रहे थे दोस्तों, मंदिर है या फिर ये है, ठीक है। तो चंद्रगिरी पर्वत ही, और इसी पे बना हुआ है मंदिर चंद्रगुप्त का, और इसमें कहा जाता है कि 90% चित्रकारी आपको मिलेगा स्थूल भद्र, सॉरी भद्र बाहु का और चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। आज भी ये मंदिर है श्रवण बेलगोला में, और वहीं पे कहा जाता है कि अपने अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला गए कर्नाटक में, और उन्होंने जाकर के वहीं पे अपना प्राण जो है संलेखना या संतरा विधि से त्याग दिए। जैन मतलब जैन मान्यताओं का मानना है कि संलेखना या संतरा विधि क्या होता है, जब किसी जैन स्वामी की या जैन भिक्षुओं की मृत्यु होती है तो वो अपने अंतिम चरण में भूखे उपवास रहते हैं, और उस उपवास के क्रम में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसी को संलेखना या संतरा विधि माना जाता है, और जब वो उस विधि से जब उनकी मृत्यु होती है माना जाता है कि वो जो है स्वर्ग में चले गए। ये जैन ग्रंथ की मान्यता है दोस्तों, जैन मतलब सिद्धांत है ये, ठीक है। तो कहा जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी संलेखना या संतरा विधि से प्राण त्याग दिए तो मगध में जो 12 साल से अकाल पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये कहां तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पुस्तकों में यही आता है, ठीक है। एक कहानी तो ये है। अब देखिए दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक सीधे जाकर के यहाँ रहते, एक राजा, इतने बड़े साम्राज्य के राजा जो है जैन भिक्षु बन गए, इसका मतलब कहीं कर्नाटक इसके राज्य में शामिल था। दूसरा चीज है, ठीक है, तो ये तो जैन ग्रंथ में ये कहानी आता है, ये कहानी जो हम आपको बताए ये जैन ग्रंथ में कहा गया जैन भिक्षु बन गए। अहनानुरु ग्रंथ में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्षिण में आक्रमण किया था, उस समय वहां का राजा था मोहर नाम का राजा पर, दक्षिण में मोहर नाम का राजा था, इस पर आक्रमण किया था, और इस पर जब आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में, तो चंद्रगुप्त मौर्य को वहां के लोकल जनजाति हुआ करते थे कोसर नामक जनजाति, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कोसर नामक जनजाति ने सहयोग किया था, और मोहर नाम के राजा को पराजित करके
कर्नाटक तक अपने राज्य को विस्तारित किया था, कर्नाटक तक। ठीक है, तो अहनानुरु ग्रंथ कहता है कि आक्रमण किया था कोसल नामक राजा ने, और जैन ग्रंथ कहता है कि ये अंतिम चरण में जैन भिक्षु बन गए थे। कहीं कहीं ये प्रमाण मिलता है कि ये आक्रमण करके यहाँ तक जीते होंगे, तो कहीं को उसके बाद ये जैन भिक्षु बन गए, तो वो यही कर्नाटक के श्रवण बेलगोला आ गए। ठीक है, इस तरीके से इसका विस्तार का पता दक्षिण तक चलता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं पूरब में विस्तार। ठीक है, चलिए पढ़ना है तो एकदम डिटेल, हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, एकदम कहानी की तरह लेना है। ठीक है, कहते हैं इतिहास रटना पड़ता है, इतिहास कैसे रटना पड़ जाएगा। अब देखिए पूरब में विस्तार, अभी हम एक एक करके दोहरा देंगे पूरब में विस्तार। ठीक है, अब देखिए पूरब में विस्तार, ठीक है, मतलब कि एक बंगाल में एक अभिलेख मिला है, उसका नाम है महास्थान अभिलेख। ठीक है, बंगाल में जो अभिलेख मिला है, बंगाल का बोगरा जिला पड़ता है, वहां पे मिला है महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख। ठीक है, और इसी अभिलेख में अन्नागार का भी प्रमाण मिला है, अन्नागार का मतलब अनाज को संचित करने का प्रमाण मिला है, जिसमें अनाज को हम लोग मतलब कि संचित रखते हैं। ठीक है, यहाँ अन्नागार का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये बोगरा जिले में है। ठीक है, और इसी में कानकी मुद्रा का भी उल्लेख आया है। ठीक है, इसमें जो है कानकी मुद्रा का उल्लेख इसी अभिलेख में आया है, कानकी मुद्रा का जो उल्लेख आया है ये इसी में आया है। ठीक है, इसी में आया है। आप इससे देखिए, अब कहीं कहीं अन्नागार का निर्माण करवाए थे, तो अन्नागार का निर्माण क्यों करवाए होंगे, या तो वो अधिशेष उत्पादन को जमा करने के लिए, या विषम परिस्थिति में वो अनाज को भंडारित रखते होंगे, संचित करके रखते होंगे, ताकि अकाल की परिस्थिति में जो है जनता की भलाई करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है अकाल कहीं कहीं फैला है। इतिहासकार का यह भी मानना है कि अन्नागार का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने दो उद्देश्य से किए होंगे, या तो वो कल्याणकारी नीति के उद्देश्य से, या फिर अधिशेष उत्पादन के। कल्याणकारी नीति मतलब जनताओं में कल्याण के लिए, जो गरीबों को जिनको नहीं मिलता, आज जैसे बीपीएल की सुविधा कैसे है, ठीक है, गरीबों को दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से उस समय भी था। ठीक है, हो सकता है इस नीति से बनाए होंगे अन्नागार, उसमें संचित भंडार किया। देखिए दोस्तों, कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में 12 साल तक अकाल रहा, लेकिन अकाल के कारण एक भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं आता है। आप सोचिए मौर्य साम्राज्य कितना संपन्न रहा होगा, कितना धनी रहा होगा, और आप अभी तुरंत गुजर रहे हैं दोस्तों कोरोना वायरस से। ठीक है, सही से 2 साल भी लॉकडाउन नहीं लगा, और आपको खुद पता है कि कितने लोगों की मृत्यु कहीं सड़कों पर, कहीं ट्रेनों के ट्रेन की पटरी में आ जाने के कारण, कहीं भूखे कहीं नंगे ऐसे हो रहा था दोस्तों। ठीक है, तो कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की यह उपलब्धि, ठीक है, ये दिखाता है। ठीक है, तो हमें इतिहास को जानना चाहिए दोस्तों, इतिहास ही हमें जीने के लिए सिखाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद उत्तर में विस्तार को लेकर के कहा जाता है, तो आप पूरब में जो विस्तार था दोस्तों बंगाल तक था। ठीक है, पूरा ये बंगाल तक जो है, यहां तक आप इसको ले लीजिए, हम यहां तक इसका विस्तार है, एकदम यहां से लेके यहां तक, आप पूरा ये वाला क्षेत्र को लेकर के, ये पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर के उत्तर में थोड़ा सा विस्तार बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तर में जो इनका विस्तार था, कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में अशोक ने एक नगर बसाया था, श्रीनगर शहर को बसाया था। ठीक है, श्रीनगर। अब कहा जाता है कि अशोक के बारे में तो आपको चर्चा किए, अशोक ने अपने जीवन में एक ही युद्ध किया, कलिंग का युद्ध, अब बिंदुसार ने भूमि को न जीता था न फिर हारा था, इसका मतलब कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जीता होगा जम्मू कश्मीर को, और उसके बाद जब अशोक शासक आए होंगे तो उन्होंने यहाँ पे एक नगर की स्थापना किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार पूरब में जो है बंगाल से लेकर के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में पूरे कर्नाटक तक इसका साम्राज्य विस्तारित था। ठीक है, इसको अगर एक स्वच्छ मैप में तैयार कर दें आपको तुरंत, तो देखिए आप लोग भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं एक स्वच्छ मैप। देखिए ये देखिए, आप एक भारत का नक्शा जल्दी से आप लोग भी ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, एकदम 2 मिनट में बन जाएगा। बस समझना है दोस्तों।
ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। आपको पीडीएफ दे देंगे, इसका पीडीएफ दे देंगे। ये आपका हो गया भारत, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान नहीं था दोस्तों। ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ठीक है। ये हो गया आपका ईरान, ठीक है, ईरान। तो हाँ ईरान, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा कहाँ है? दक्षिण में कर्नाटक तक, यहाँ पे आप लिख दीजिए कर्नाटक, कर्नाटक तक। पूरब में कहाँ? तो यहाँ बंगाल तक, यहाँ पे लिख दीजिए बंगाल, ठीक है, बंगाल। उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, तो यहाँ लिख दीजिए जम्मू, ठीक है। आज उत्तर पूरब में यहाँ पे अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, ठीक है, अफगानिस्तान। तो देखिए एकदम उत्तर में यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक, और उत्तर पश्चिम को ले लिया जाए तो यहाँ तक। इसका प्रमाण आपको बता दिए कि सेंट लुकस निकेटर से ये जीता था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में शहर बनाया। कर्नाटक में प्रमाण बता ही दिया आपको कि वो खुद गए थे वहां पे, अंतिम चरण उपवास गुजारे। बंगाल में महास्थान अभिलेख मिला है गोगरा जिले में, ये प्रमाण देते। इतनी बड़ी साम्राज्य का संचालन चंद्रगुप्त मौर्य कैसे करते थे दोस्तों, इसका चर्चा हम आगे करेंगे। उतनी बड़ी सेना का संचालन कैसे करते थे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मतलब इसके बाद यानी ये साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? इतना बड़ा था आपका दोस्तों मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसके सहयोग से? तो अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से। कहा जाता है दोस्तों जिस गुरु, अगर किसी गुरु का हाथ अगर एक छात्रों पर सही से पड़ जाता है तो वो शिष्य जो है महान हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कहें कहें चंद्रगुप्त मौर्य का जो मतलब कि जीवन में चाणक्य का, चाणक्य जैसे गुरु का योगदान रहा है, ठीक है, वो आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। और ये होता है गुरु दोस्तों, ठीक है, जो अपने शिष्य को अपने से भी ऊपर उठा देता है। लेकिन दोस्तों कभी भी शिष्य जो है गुरु से ऊपर नहीं उठ सकता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं चाणक्य को आज भी नीति के रूप में जानते हैं, चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को भले ही साम्राज्य के निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन चाणक्य को उनके गुरु के रूप में जानते हैं। तो गुरु गुरु होता है दोस्तों। चलिए जो भी रहे दोस्तों, कल हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बिंदुसार और अशोक के बारे में, और एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी आज लोगों को आपका क्लास लंबा रहा, बेहतरीन रहा, शानदार रहा। जहां समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। इसी तरह कहानी के रूप में आपका इतिहास चलता रहेगा बेहतर तरीके से, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत होता है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है बाकी, ठीक है, समझाने में कहीं कमी नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम बेहतर से बेहतर क्लास होगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। इतिहास में आपको एक एक चीजों को उठा करके रख देंगे आपके सामने। चलिए आज हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ शानदार तरीके से। थैंक यू दोस्तों।